जय हिंद प्यारे साथियों, यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। स्पेशली ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका फर्स्ट पेपर कमजोर है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेटों का मेरे पास फोन आता है कि सर हमारे सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर हो जाता है लेकिन फर्स्ट पेपर में हमारा बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा जेरफ रुक जाता है, फर्स्ट पेपर की वजह से हमारा नेट रुक जाता है। तो यहाँ पर मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ स्पेशली केवल फर्स्ट पेपर के बारे में, और फर्स्ट पेपर में भी केवल उन कैंडिडेटों के लिए महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो जिनका फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। देखो, मैं अजय सरबा, मेरा जो ग्रुप से लगातार 3 बार जेरफ क्वालिफाई है और यहाँ पर हर बार नेट जेरफ का बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके से बैच चलता है। ये है हमारे पिछले वाला बैच का रिजल्ट जिसमें हमारे फर्स्ट पेपर के 2 बैच थे, एक बैच में 332 कैंडिडेट थे, दूसरे वाले बैच में 208 लोग कैंडिडेट थे, ठीक है। बैच के यदि मैं रिजल्ट की बात करूं तो अंकिता के 42 क्वेश्चन ठीक थे फर्स्ट पेपर में, निर्मा के 42 क्वेश्चन ठीक थे, रवि सिहाग और पूनम के फर्स्ट पेपर में 41 क्वेश्चन ठीक थे, रामचरण और कोमल के फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन ठीक थे। इसके अलावा 78 मार्क्स वाले 8 कैंडिडेट थे, 76 मार्क्स वाले 12 कैंडिडेट थे, 74 मार्क्स वाले 20 कैंडिडेट थे, 72 मार्क्स वाले 32 कैंडिडेट थे और 70 मार्क्स वाले 48 कैंडिडेट थे, ठीक है। तो ये हमारे पिछले वाले बैच का रिजल्ट है। बाकी ये जो फिलहाल में पेपर चल रहा है यहाँ पर भी हमारे बैच से बहुत गजब का स्कोर होने वाला है, और अब की बार में फर्स्ट पेपर के लिए एक बहुत ही शानदार वाली प्लानिंग लेके आया हूँ, एक बहुत ही गजब का नोट्स बनाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मात्र मैं आपके 8-10 मिनट लूंगा लेकिन ये जो 8-10 मिनट है ना वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखो, फिलहाल में जून 2023 का टारगेट लेकर मैं नेट के फर्स्ट पेपर का नया बैच स्टार्ट कर चुका हूँ और मेरा अब की बार टारगेट है कि बैच में कम से कम 30-40 ऐसे कैंडिडेट हों जिनके 40+ क्वेश्चन ठीक हो फर्स्ट पेपर में, ठीक है। अब फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा वो सारा सब कुछ मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा और किस तरीके से पढ़ाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं डेस्क्रिप्टिव बुक जिनको यहाँ पर हम अपने नोट्सों में शामिल करने वाले हैं। देखो, बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब नहीं लेनी, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ये आपको लास्ट तक अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, अब मैं जो फिलहाल में नोट्स बनाऊंगा जून 2023 के बैच के लिए उसमें मैं कौन कौन सी बुकों को शामिल करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं, ये श्री एजुकेशन पब्लिकेशन की बुक है, मेरी खुद की बुक है ये, इसको। उसके बाद में हम बात करते हैं केवीएस मदान बुक, ठीक है, आपकी बहुत पढ़ी हुई बुक होगी इसको, ये इसका पुराना वाला एडिशन है। इसके अलावा केवीएस मदान का ये नया वाला एडिशन है इसको। इसके अलावा ये अरिहंत का है, ठीक है, देखा हुआ होगा ना, अरिहंत का पुराना एडिशन है, नया एडिशन इसका आज आ जाएगा मेरे पास, उसको भी शामिल करूंगा मैं। इसके अलावा ये है ऑक्सफोर्ड की बुक, ठीक है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक है, इसका पुराना और नया एडिशन दोनों बिल्कुल बराबर है, दोनों सेम है, केवल कवर अलग है, इसलिए मैं इसका नया एडिशन नहीं लेके आया, पुराने वाले एडिशन को काम लेने वाला हूँ क्योंकि कॉन्टेंट बिल्कुल समान है। इसके अलावा ये है यूथ का, ट्रूमैन पब्लिकेशन की डेस्क्रिप्टिव बुक। इसके अलावा ये है उपकार पब्लिकेशन की डेस्क्रिप्टिव बुक, ठीक है। इसके अलावा ये है दृष्टि पब्लिकेशन के फर्स्ट पेपर की बुक, ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है। और इसके अलावा ये है साहित्य पब्लिकेशन की बुक। तो टोटल बुक कितनी हो गई, साहित्य की 1, दृष्टि की 2, ठीक है, उपकार की 3, ट्रूमैन की 4, ऑक्सफोर्ड की 5, दृष्टि की 6, केवीएस मदान की 7 और श्री एजुकेशन पब्लिकेशन की 8। तो अब जो मैं नए नोट्स तैयार कर रहा हूं उसमें मैं इन 8 बुकों को शामिल कर रहा हूं, ठीक है। मतलब आप मेरे बैच लेते हो, मेरे नोट्स से पढ़ते हो तो आपको इन 8 किताबों में से एक भी किताब नहीं खरीदनी, इन 8 किताबों को मिलाकर मैं नोट्स तैयार कर रहा हूं। इसके अलावा मैंने
अन अकेडमी पर नवनीत कोर्स मैम पढ़ाती हैं, इसके अलावा तलवीर सर पढ़ाते हैं, इसके अलावा बायजूस और अन अकेडमी पर जो भी कैंडिडेट पढ़ाते हैं उन सभी के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने उनका सब्सक्रिप्शन भी लिया है और उस सब्सक्रिप्शन से जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं यहाँ पर आपको सामने दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे सारे नोट्स मैंने तैयार किए हैं अन अकेडमी और बायजूस के ऊपर क्लास लेकर, ठीक है, अन अकेडमी और बायजूस के ऊपर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, वहाँ से मैंने क्लास ली है और ये मैंने 3 नोट्स बनाए हैं। ये फर्स्ट पेपर के नोट्स हैं जिसमें मैंने मैथ, रीजनिंग, DI और RC, इन 4 के तो नोट्स बनाए नहीं, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन और इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर, हायर एजुकेशन और लॉजिकल रीजनिंग, इन 7 यूनिटों के मैंने अन अकेडमी और बायजूस पर सब्सक्रिप्शन लेकर और नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है। तो इन 3 नोट्सों के अंदर अन अकेडमी और बायजूस की जो बेस्ट फैकल्टी है उनके नोट्स शामिल हैं, तो इन नोट्सों को भी मैं अपने उन्हीं नोट्सों में शामिल करूंगा, 7 ऑथेंटिक बुक, इसके अलावा अन अकेडमी और बायजूस की जो बेस्ट फैकल्टी है उनके नोट्स ये 7 3 10, तो ये हम डेस्क्रिप्टिव बुकों को शामिल करेंगे। अब इसके अलावा मैं क्या शामिल कर रहा हूं, देखो ये है यहां पर लिखा हुआ है, देखो 14/10/2022, तो 2022 में जो नेट का फर्स्ट पेपर हुआ था इसमें ये टोटल पेपर है सारे के सारे, ठीक है, इन सभी पेपरों को मैं यहां पर शामिल करने वाला हूं। अब इन सभी पेपरों को मैं किस तरीके से शामिल करूंगा, देखो मैंने इन सभी पेपरों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, पढ़ने के बाद कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ से अगले वाले पेपरों में क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख लिया, जैसे पेज 7 पर 9वां क्वेश्चन, इसके अलावा बायोगैस से रिलेटेड क्वेश्चन बना था जो पिछले नोट्सों में शामिल नहीं था मेरे, उसको लिख दिया, पर्यावलोकन से, इसके अलावा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन से क्वेश्चन बनता है आजकल, APA MLEA में पढ़ाता हूँ, IEEE, इसके अलावा शिकागो शैली है, पेज 22 पर क्वेश्चन 8 है। तो इस जो प्रीवियस ईयर पेपर की ये जो बुक है, ठीक है, इसमें 2022 के सारे पेपर शामिल हैं और इसमें ऐसे टॉपिक, ऐसे क्वेश्चन जहाँ से हमें ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के इस टॉपिक से अगले वाले पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो उन सभी टॉपिकों को मैं यहाँ पर शामिल करने वाला हूँ। तो इससे हमारे जो नोट्स होंगे वो बिल्कुल अपडेट नोट्स हो जाएंगे, ठीक है, पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। इसके अलावा जो मैथ, रीजनिंग और DI पढ़ाऊंगा वो मैं, ये मदर्स की बुकलेट है, मदर्स की बुकलेटों के द्वारा मैं मैथ, रीजनिंग और DI पढ़ाऊंगा। फिलहाल में यदि हम बात करें तो मदर्स एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है SSC के मामले में, कोचिंग है SSC के मामले में, तो हम यहाँ पर जो मैथ, रीजनिंग और DI पढ़ेंगे वो SSC CGL के लेवल का पढ़ेंगे, वो भी मदर्स की बुकलेट के द्वारा, और इन सभी को मिलाकर मैं बहुत ही शानदार वाले नोट्स तैयार करूंगा। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं प्यारे साथियों, मेरे जो फर्स्ट पेपर के नोट्स हैं जून 2023 के लिए, उसमें मैं 7 ऑथेंटिक बुक जो अलग अलग पब्लिकेशन से हैं, अन अकेडमी और बायजूस के नोट्स, 2 ये हो गए 9, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपरों को भी मैं शामिल करूंगा 10, और इसके अलावा मदर्स की बुकलेट 11। तो मैं अब जो नोट्स बनाऊंगा ये टोटल 11 अलग अलग जो बेस्ट बुक है, जो बेस्ट टीचर हैं, उनके कंटेंट से मिलकर बने होंगे, और अब जो आप मेरे साथ मिलकर पढ़ोगे वो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि इंडिया के फर्स्ट पेपर के मामले में सबसे बेस्ट नोट्सों के साथ तैयारी करोगे, क्योंकि इससे बेस्ट नोट्स फर्स्ट पेपर के मामले में कहीं हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं, सारा सब कुछ शामिल कर लिया, प्लस में मेरे सेल्फ नोट्स जिनसे मैं अब तक पढ़ाता था, इन सभी को मिलाकर मैं फर्स्ट पेपर के नोट्स तैयार करूंगा और उनसे मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा, फिर हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कैसे नहीं होता है। हर हाल में इन नोट्स को पढ़ने के बाद हमारा फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर होगा, और जो मेरा सपना है फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करने का, वो 100% पूरा होगा। तो यदि आप इन बेस्ट नोट्सों के साथ फर्स्ट पेपर की बहुत शानदार वाली तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी फिलहाल में स्टार्ट हुआ,
बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कोई YouTube वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सारा सब कुछ मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, वो भी केवल और केवल नाम मात्र प्राइस में। यदि आप जून 2023 के टारगेट से हमारा फर्स्ट पेपर का बैच लेते हो तो चार्ज है फिलहाल में 1300 रुपये, दो दिन बाद ये चार्ज हो जाएगा 1500 रुपये। और यदि आप पूरे साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फर्स्ट पेपर का चार्ज है मेरे प्यारे साथियों 1700 रुपये, दो दिन बाद में ये चार्ज हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जिसके थ्रू आपको मेरा बैच मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।